अब हम शुरू करते हैं जनाब अपनी केस स्टडी को, ठीक है। रिच कॉर्न सील, ठीक है। ये जनाब इंट्रोडक्शन है, ठीक है। दे आर अ मीडियम साइज स्टील डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। मार्टी सॉयर जो है वो इसकी जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। जनवरी 1997 में जो है वो इनके सामने जो है मतलब एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि इनका जो ओल्ड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको जो है वो इन्होंने जो है वो रिप्लेस कर दिया था। लेकिन रिप्लेस करने के बाद जो है वो देवर फेसिंग मैनी इशूज। सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम वॉज दैट के जी के ये जो नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो जो उन्होंने इंस्टॉल किया है, क्या उसको जो है वो उसके यूज को कंटिन्यू करें या उसको जो है वो बंद कर दें, ठीक है। दिस इज द मेजर इशू, द मेजर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन दैट पर्टिकुलर केस, ओके। दे हैव बीन यूजिंग द सेम सिस्टम फॉर ओवर 20 इयर्स, ठीक है। और ये जिस सिस्टम को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली द हार्डवेयर वॉज IBM हार्डवेयर, और इस पे जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं वो भी जो है वो बुनियादी तौर पर बड़ी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो लिखा हुआ है। और ये इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसके जो है वो अब प्रोग्रामर्स भी जो है वो नहीं मिलते। और जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर जो है वो इतना पुराना हो चुका है कि इन्होंने जो है वो अब वही जो कंप्यूटर जो है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो जो उनके पुराने कंप्यूटर जो उनके पास हैं, ठीक है, जो ख़राब हो जाते हैं, जो उनको वेयरहाउस में डाल देते हैं, तो ऐसा कंप्यूटर के जो कि मतलब जिसमें अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो जो पुराने कंप्यूटर जो उन्होंने डंप किए हुए हैं अपने वेयरहाउस में, उसमें जाके जो है वो देखते हैं कि जनाब क्या अगर उसमें जो है वो पार्ट जो है उनको मिल जाएगा जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, स्केवेंजर हंट्स जस्ट टू मेंटेन द सिस्टम। स्केवेंजर का मतलब जो है वो ये है कि आप अपने जो पुराने नाकारा सिस्टम्स हैं उसमें से जो है वो मतलब जो यूजफुल पार्ट्स हैं वो निकाल के जो है वो अपने फंक्शनल सिस्टम में लगाने की कोशिश करें, दैट्स कॉल्ड द स्केवेंजिंग, ठीक है। इनकी जो आईटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली इतनी ज़्यादा सिंपल जो है वो नहीं है, ठीक है। और अभी हम जब आगे चल के केस में जो है वो हम देखेंगे तो वी विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट व्हाई द आईटी रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेरी सिंपल, ठीक है। इनका जो द परचेज एंड इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर मेड बाय अ वेंडर स्पेशलाइजिंग इन सॉफ्टवेयर फॉर रिच कॉर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब दिसंबर में जो है वो इनका जो सिस्टम है वो इट वेंट लाइव, और जनवरी 1997 की बात कर रहे हैं तो दैट वाज दिसंबर 1996, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो मार्टी सॉयर है, मार्टी सॉयर जो है वो बेसिकली शी इज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी। अब मार्टी सॉयर के सामने जो सिचुएशन है या जो केस बताता है वो क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो ये है जनाब के नया जो उन्होंने सिस्टम इंस्टॉल किया है इट इज हैविंग प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अब वो उसके सामने क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो ये है कि जनाब के ये सिस्टम जो काम नहीं कर रहा तो सिस्टम के काम ना करने का रीजन जो है वो क्या है, ठीक है। किस को ब्लेम दूँ, सॉफ्टवेयर को ब्लेम दूँ, अपने लोगों को ब्लेम दूँ या कंपनी को, मतलब हु टू ब्लेम फॉर, दैट इज द क्रिटिकल क्वेश्चन। क्योंकि जब तक ये चीज क्लियरिफाई नहीं होती कि जनाब के किस को ब्लेम दिया जाए, किसकी वजह से जो है वो फॉल्ट आ रहा है, उस वक्त तक जो है वो हम आगे जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकते। These are some of the teaching objectives of this case study. Whenever I discuss any case, I will be showing these teaching objectives to you, just as I used to show the teaching objectives of all the cases when I taught you e-commerce. ठीक है? So, for example, organizational readiness. ठीक है? आपकी organization जो है वो information technology के लिए ready है या नहीं? ठीक है? Black box का मतलब जो है वो ये है कि जनाब हमें हमारे सामने जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जनाब ये चीज़ चल किस तरह से रही है, ठीक है, और अगर ये चीज़ नहीं चल रही है तो ये क्यों नहीं चल रही है, ठीक है। दिस कॉल्ड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। जैसे मिसाल के तौर पर अभी इनका ये जो नया आईटी सिस्टम है इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स फॉर रिच कॉर्न स्टील। इसको ब्लैक बॉक्स ले कह रहे हैं कि जनाब ये प्रोसेस या ये सिस्टम जो है ये काम क्यों नहीं कर रहा, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं आपके देयर इज अ बॉक्स इन विच वी गिव द इनपुट एंड द आउटपुट कम्स इन, राइट। वी आर प्रोवाइडिंग द राइट इनपुट बट द आउटपुट इज नॉट करेक्ट बट द बॉक्स इज डार्क, सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉक्स और व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम।
So we cannot understand that why the output of the system is not desired. ठीक है, और इसके बाद to show the serious consequences of IT implementation failure. ओके जी, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. ये बुनियादों पर जो है ये हार्डवेयर होलसेलर है, ठीक है, और ये कैंसस सिटी यूएस में है, ठीक है. उसके जो है ओल्डेस्ट बिजनेस है, 1857 में जो है द कंपनी वॉज फाउंड, ठीक है. दे आर एस्टेब्लिश एज अ होलसेलर और इनका जो फोकस है, इंटायर फोकस जो है बुनियादों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हार्डवेयर पर है, ठीक है. दे आर ऑल्सो स्टील सर्विस सेंटर, ठीक है. ये रॉ मटेरियल जो है ये अपने पास जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है. और इनके जो कस्टमर्स हैं, इनके कस्टमर्स जो है बुनियादों पर जो है वो फैब्रिकेटर्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है. और ये इनके पास जो बेसिकली जो जो रॉ मटेरियल जो स्टील होता है और उसको जो है ये प्रोसेस करते हैं फॉर मीटिंग द डिमांड और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर कस्टमर्स, ठीक है. इन्होंने इनका जो बेसिकली जो अपना जो सर्विस सेंटर है, ठीक है, इन्होंने जो है वो अपनी एक रेपुटेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर ली है, ठीक है, एज एन एक्सेलेंट सर्विस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है. अच्छा, इसके बाद 1970 में जो है वो इन्होंने जो है डिसाइड किया कि जनाब स्टील रोलिंग जो है ये एक स्पेशल जो है ये ऑपरेशन है कि जिसमें जो है ये आप बड़ी बड़ी जो स्टील की जो शीट्स होती हैं, ठीक है, इनको जो है वो आप रोल करके नए शेप्स जो है ये आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. और इन्होंने जो है वो स्टील रोलिंग उस जमाने में जो है वो उसमें अपना जो इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ, वो इसलिए डेवलप हुआ कि जो स्टील रोलिंग है, स्टील रोलिंग में जो इनको मार्जिन मिलता है या फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं वो जो है ये काफ़ी हाई था, ठीक है. रोंडो जो है अपने यहाँ ये एक स्पेसिफिक स्पेशल मशीन है, ठीक है, कि जो लेके रोलिंग प्रोसेस के लिए जो इस्तेमाल होती थी. और इनकी कंपनी जो थी, इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज इन द रीजन दैट हैड रोंडो दिस पर्टिकुलर मशीन, ठीक है. 1994 में जो है कंपनी का जो है वो लीडर जो है बदल गया था. दैट इज जो मार्टी स्वेयर का जो वालिद था, ठीक है, इसका नाम था सैम स्वेयर. सैम स्वेयर ने जो है कंपनी की जो प्रेसिडेंटशिप थी ये अपनी बेटी को दे दी, जिसका नाम था मार्टी स्वेयर, एंड दैट हैपेंड इन 1994. अब जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 1994 में जो है मार्टी स्वेयर ने जो है वो कंपनी की जो है लीडरशिप जो है एज्यूम की है, एंड विद इन टू ईयर्स दैट इज बाय डिसंबर 1996 द कंपनी इज इन टोटल कियोस, राइट. अभी हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्यों हुआ, ठीक है, कि एक नया लीडर आते ही जो है वो दो साल के अंदर अंदर जो है वो एक टोटल क्योटिक सिचुएशन जो है क्रिएट हो गई. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर देन द रिच कॉन स्टील, ठीक है. अब इनके पास दो सिस्टम थे, फाइनेंशियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो टू सेपरेट IBM सिस्टम 3 कंप्यूटर्स को रन होते थे. IBM सिस्टम 3, ठीक है, ये सिस्टम 3 जो है ये नाम है सिस्टम का, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है. ये 3 कंप्यूटर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाप मुझको ये कहेंगे जनाब कि ये 3 कंप्यूटर्स है. नो, IBM सिस्टम 3 इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर दे वर यूजिंग, ठीक है. अच्छा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था सिस्टम 3, ठीक है, ये बहुत ही पुरानी ऑब्स्क्योर लैंग्वेज थी कि जिसके प्रोग्रामर्स भी जो है वो अब इनको नहीं मिलते थे, ठीक है. अब मार्टी स्वेयर ने जो है जब प्रेसिडेंटशिप जो है जब उसने इसके पास आई है, जब ये लीडर बनी है, तो उसका जो ख्याल था वो ये था कि जनाब कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस हैं, ठीक है, वो इनएफिशेंट हैं और अनरिलायबल हैं, ठीक है. और प्रॉब्लम जो दूसरा वो ये था कि जनाब के ये जो इनके पास जो हार्डवेयर मौजूद था, ये हार्डवेयर जो है जिस तेज़ी से जो है ऑब्सोलीट हो रहा था, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जनाब के अगर कोई सिस्टम ख़राब हो जाता था तो उसको जो है वो ऑपरेशन करने के लिए वो जो उनके पुराने जो सिस्टम जिनको उन्होंने डंप करके वेयर हाउस में रखा हुआ होता था, वहाँ पर जाके जो है वो उसमें से जो है वो पार्ट्स निकाल के जो है और वो फिट करके जो है कोशिश करते थे कि जनाब सिस्टम जो है वो चल पड़े, ठीक है. अच्छा, अब इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए मार्टी स्वेयर ने जो है वो ये डिसाइड किया कि हम जो है वो पहली कोशिश जो है वो ये करते हैं कि हम जो है वो इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवा लेते हैं, मतलब अपने लोगों से सॉफ्टवेयर जो है वो बनवा लें कि जिसको जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हार्डवेयर जो है हार्डवेयर को तो परचेज किया जा सकता है, ये मतलब अगर हम चाहें कि IBM के अलावा किसी और कंपनी से बाय कर लें, वी कैन डू दैट. बट व्हेन इट कम्स टू द सॉफ्टवेयर, तो उनकी पहली कोशिश जो थी वो ये थी कि ज़ाहिर बात है हम हार्डवेयर तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लेकिन हम सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम हार्डवेयर जो है हमको दूसरा बाय कर लेंगे और उसके बाद जो है वो उस हार्डवेयर के ऊपर नया सॉफ्टवेयर रन कर देंगे. बट दिस डिड नॉट
वर्कआउट, ठीक है, इन हाउस डेवलपमेंट जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, मार्टी स्क्वायर जो थी वो इस तमाम एफर्ट को जो है वो लीड कर रही थी, लेकिन ये जो क्या कहते हैं जो इन हाउस डेवलपमेंट थी इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब उन्होंने डिसाइड जो है वो ये किया कि जनाब कि ये इन हाउस सॉफ्टवेयर जो है वो तो हमसे जो है नहीं बन सकता, तो नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अ थर्ड पार्टी, ठीक है, कि जाके हम देखें कि भाई कि हमें जो है वो अगर कोई वेंडर मिल जाए, ठीक है, ओके। अब 1995 में जो है वो रिचकॉन स्टील ने जो है वो एक ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर पैकेज जो है उसको ढूंढना शुरू किया। इन्होंने जितने भी पैकेजेस जो है जो उन्होंने जो है कंसिडर किए, ठीक है, ये सारे के सारे पैकेजेस जो थे ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो रन होते थे, ठीक है, और ये तमाम के तमाम जो सॉफ्टवेयर थे ये मेटल इंडस्ट्री के लिए ही बनाए गए थे, ठीक है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि जिन सॉफ्टवेयर्स को जो ये कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, तो इनसे जो है वो फंडामेंटल गलती जो है वो क्या हुई, ठीक है, ओके। अब इनके पास जो रिचकॉन स्टील की बात करें, ठीक है, बिकॉज देवर स्टील सर्विस सेंटर, ठीक है, तो इनकी जो है वो कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स थी जो कि फॉर एग्जांपल मेटल इंडस्ट्री के जो दूसरे जो बिजनेसेस थे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर इनके पास जो है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजर थे, इनके पास रेमिनेंट्स है, रेमिनेंट का मतलब जो है वो ये होता है कि जनाब आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल आपने स्टील की शीट जो है प्रोक्योर की, स्टील की शीट में से जो है वो आपने जो है वो जो फॉर एग्जाम्पल जो भी कंपोनेंट या जो भी चीज़ बनानी थी एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो आपने बनाई, और उसके बाद जो है वो आपके पास जो है कुछ वेस्टेज बच गया, ठीक है, लेकिन वो जो वेस्टेज है वो वेस्टेज एक्चुअली नहीं है, उसको भी जो है वो आपने आगे कहीं इस्तेमाल करना है, तो आपने उसका भी रिकॉर्ड रखना है कि जनाब मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास 4x8 की स्टील शीट थी उसमें जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने 4x6 का पीस जो है मैंने इस्तेमाल कर लिया और अब मेरे पास जो है 4x2 का जो पीस है मेरे पास जो है वो बच गया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेमिनेंट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब मैं ये कंसिडर करूँ कि 4x8 की शीट पूरी इस्तेमाल हो गई है, देयर इज अ रिमेनिंग पार्ट कॉल्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ 4x2 जिसका जो है मैंने रिकॉर्ड रखना है कि मैं इसको भी आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन सर्टिफिकेशन, ये आपके पास जो डिफरेंट जो है वो जो मटेरियल आ रहा है, जो स्टील शीट्स आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट रॉ मटेरियल आ रहा है डिफरेंट प्रोवाइडर्स की तरफ से आ रहा है, तो हर एक की जो है वो अपनी एक अलग सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन मीन के इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन की सर्टिफिकेशन, ठीक है। नाउ देर आर सम जनरल क्वेश्चन when they talked about considering a particular software or particular application for their own business. Pehli cheez jo thi wo ye thi ki janab ke jis software package ko ki wo baat kar rahe hain, theek hai, ye application jo hai wo jab naya jo raw material kab order karna hai, theek hai, usko kaise calculate karti hai, theek hai, kyunki yaad rahe ki inhone inka kaam jo hai wo service center ka hai, theek hai, inka kaam jo hai wo misal taur par jo hai raw material provide karna nahi hai, ठीक है, अगर मेरा काम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि जनाब के 4x8 की मेरे पास जो है वो 100 शीट्स थी और 100 शीट्स में जो है फॉर एग्जांपल 70 शीट जो है वो मेरे पास जो है वो ऑर्डर आ चुके हैं, तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि अब मुझे जो है वो नया ऑर्डर जो है प्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम जो है वो ऐसा है कि जिसमें जो है फॉर एग्जांपल हम रेमिनेंट्स में से भी जो है वो कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो किस तरह से जो है वो रीऑर्डर टाइम कैलकुलेट करता है ये हमारे लिए समझना जरूरी है। वेदर एप्लीकेशन कुड हैंडल इंट्रा कंपनी इन्वेंट्री ट्रांसफर, अब एक कंपनी है उसके अंदर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो एक कंपनी जो है वो अपना अपने पास जो इन्वेंट्री मौजूद है वो दूसरे डिपार्टमेंट को जो है ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, जैसा कि रिचकॉन स्टील के केस में होता है, एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट को जो है अपनी इन्वेंट्री जो है वो ट्रांसफर करता है कर सकता है। तो अब जिस सोल्यूशन को जो है वो सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं वो सोल्यूशन जो है, ठीक है, क्या वो इस चीज को हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर जो चूज किया, ठीक है, जो कि बेसिकली समझ लिया कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनकी रिक्वायरमेंट से जो है क्लोजेस्ट था, ठीक है, वो उन्होंने जो है वो एक चूज किया है। अच्छा, इनको इस बात का पता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये वेपरवेयर नहीं है। वेपरवेयर का मतलब जो है ये होता है कि इट्स अ टेक्निकल टर्म दैट मींस के ऐसा सॉफ्टवेयर के जिसके बारे में प्रोमिसेस तो बहुत किए जाए लेकिन जो उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो बहुत लो हो। मतलब मैं ये कहूँगा जनाब कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है 10 काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो 10 काम नहीं कर सकता, वो एक्चुअली 4 काम कर सकता है, लेकिन मैंने कहा हुआ है कि 10 काम कर सकता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को मैं कहूँगा वेपरवेयर, ठीक है, कि फंक्शनैलिटी एक्चुअल फंक्शनैलिटी बहुत कम है और जो जो फंक्शनैलिटी जो है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ या जो मैं दावा कर रहा हूँ या जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है,
ठीक है। अब रिचकॉन ने ये जो पर्टिकुलर जो सिस्टम जो उन्होंने चूज किया है, ठीक है, दिस सिस्टम इज गोइंग टू कम्प्लीटली रिप्लेस देयर लेगेसी और द ओल्ड सिस्टम, ठीक है। और एक्टिवेशन जिसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन थी, वो उन्होंने जो है वो शुरू की लेट 1995 में, ठीक है जी। अच्छा, अब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रहे कि जनाब यहाँ पे जब ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि इनके पास जो है वो जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, ठीक है, या वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ठीक है, वो बहुत कम थे, ठीक है। तो मार्टी सॉयर जो थी, मार्टी सॉयर ने जो है वो इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप एज्यूम की, यानी कि उसने कहा गया कि ये जो नया सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं लीड करूँगी, मतलब वो प्रोजेक्ट लीडर बन गई इसकी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जनाब के जो उसका जो टाइम था जो बिजनेस को दे रही थी, उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम जो था वो बेसिकली जो है वो अब नए सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में जा रहा था, ठीक है। और ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर जो है सोयर ने जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया, मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, कन्फिगरिंग इट टू मैच द वे रिचकॉन डिड बिजनेस एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे मार्टिन सोयर की जो एक पर्टिकुलर फीलिंग थी आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस वो ये थी कि जनाब के जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉज टू यूज़ द न्यू सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एम्प्लॉयज़ को जो है अगर हमने सही तरह से ट्रेन नहीं किया अपने न्यू सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम जो है वो अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब लेकिन जो सिस्टम जो है वो मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन थी, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अब जो है वो अब जो आपके सामने जो सिचुएशन आ रही थी और जो आपके सामने जो रिजल्ट्स आ रहे थे, सोयर वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। और जिस तरह से काम चल रहा था, तो अब यहाँ पे जो अगर आप लास्ट पॉइंट देखें, रिचकॉन फेस्ड वेरियस इश्यूज। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जनाब के किस किस तरह के उनके पास इश्यूज आए, ठीक है। अच्छा जी, गोइंग लाइव, कब लाइव गए जनाब? दिसंबर 1996 में दे वेंट लाइव विद द न्यू सिस्टम, ठीक है। बट इमीडिएटली सो मैनी प्रॉब्लम्स दे फेस्ड, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स जो थे वो ये थे जनाब के आफ्टर द वीक वॉज ओवर, रिचकॉन न्यू दे हैड सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहली प्रॉब्लम, दे वर अनएबल टू रिकनसाइल द बिलिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकनसाइलेशन का मतलब क्या है? रिकनसाइलेशन का मतलब जो है वो ये कि जनाब कि आपने जो है वो किसी कस्टमर को जो है कि सामान भेजा है, बिल किया है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका आपके पास जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो मतलब बेसिकली एक दूसरे से मैच होना चाहिए। मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल अकाउंट रिसिवेबल कितना है, ठीक है, मैंने जो है इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की, ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें, तो मतलब खर्चा और जो आपने जो पैसे रिसीव करना है वो एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए, रिकनसाइल होने चाहिए, ठीक है। ये जो पेपर वर्क था, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का, ठीक है, वो जनरेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सिस्टम जो था, सिस्टम वाज नॉट प्रोवाइडिंग देम द रिक्वायर्ड पेपर वर्क। तो वो क्या कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो है अपना लेगेसी सिस्टम जो था उसको भी जो है उन्होंने बंद कर दिया था, कम्प्लीटली जो है नए सिस्टम पर ट्रांसफर हो गए थे, और नया सिस्टम जो था उनको पेपर वर्क जो है प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो व्हाट दे वर डूइंग इज दैट दे वर एक्चुअली मैनुअली प्रिपेयरिंग द ऑर्डर्स, ठीक है। अब जब मैनुअली प्रिपेयर करते थे तो होता ही क्या था कि जनाब आपके सिस्टम का जो पेपर वर्क था, पेपर वर्क जो है फॉर एग्जाम्पल डिले के बाद जो है वो उनको अवेलेबल होता था। तो यहाँ पे मुसीबत जो है वो ये हो रही थी कि जनाब कि आपके पास जो है वो पेपर मतलब मैनुअल ऑर्डर भी मौजूद है और एक ऑर्डर वो है कि जो कि सिस्टम ने जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज होने शुरू हो गए थे। मिसाल के तौर पर जो है किसी कस्टमर को जो है वो आपने वो सामान भेज दिया जो कि उसको नहीं चाहिए था, किसी कस्टमर को जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो आपने डबल शिप कर दिया। अब जब डबल शिप करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो ये आएगा कि जनाब के आपने जो है उसको डबल इनवॉइस कर दी। अब कस्टमर जो है वो अनहैप्पी हो रहा है, कस्टमर एक कस्टमर ये कह रहा है कि मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं, दूसरा कस्टमर ये कह रहा है कि भाई कि मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल तो गया लेकिन तुमने मुझे डबल चार्ज कर लिया। सो देर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन दे वर ऑल्सो लूजिंग द बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स कौन से होते हैं? बैक ऑर्डर्स वो ऑर्डर होते हैं कि जिनको जो है वो हम इमीडिएटली फिल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जनाब कि हम जो है वो उनको आपको जो फ्यूचर में जो है हम आपको फिल मतलब फिल कर देंगे, फ्यूचर में जो है आपको ये ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो है वो अपने सिस्टम में जो इन्वेंट्री है उसके बारे में जो है वो एग्जैक्ट सिचुएशन आपको इल्म हो। लेकिन यहाँ पे हाल जो था वो ये था कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि जनाब के किसके पास क्या इन्वेंट्री है, क्या ऑर्डर कहाँ शिप हो रहा है। तो दे वर लूजिंग बैक ऑर्डर्स एज वेल, दे वर ऑल्सो अनएबल टू मैच द कंज्यूमर कस्टमर इनवॉइसेस विद द इनिशियल पेपर वर्क। जाहिर है आपके पास जो है वो एक मैनुअल काम है और चीज जो है सिस्टम के अंदर भी अपडेट हो रही है,
अब जब सिस्टम में से जो है वो आपके पास जो रिकॉर्ड निकाल के बाहर आता है और आपके पास जो पेपर वर्क मौजूद है उसमें तो फर्क आएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है वो अपडेटेड जो है वो नहीं है. सो वी कैन सी दैट देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम दैट द रिच कौन वाज हैविंग. अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जनाब की ये जो इतनी सारी जो उनकी ट्रबल हो रही है तो इसमें इसके कॉजेस क्या है. ठीक है, एज आई सेड अर्लियर कि जनाब की हमें ये समझना जरूरी है ये why this problem is having, what are the causes. अब यहाँ पे आप अगर जरा गौर करें तो वो कहते हैं कि जनाब कि हमने जो है, ठीक है, she did not know whether rich cons constant failure were due to. अब possible causes क्या हैं? Failure faults in the software, configuration mistakes made during implementation, misuse or non-use of the system, a combination of these three. रिच कौन को समझ में नहीं आ रहा कि इन कॉजेज में से कौन सा कॉज है कि जो कि बेसिकली जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा. ठीक है, अब यहाँ पे एक और इशू जो है वो ये है कि जो आपके पास डिफरेंट मैनेजर्स हैं, डिफरेंट मैनेजर्स का जो है वो उनकी जाहिर बात है उनकी जो जॉब है और जो उनकी इंट्रैक्शन हुई है सिस्टम में, तो हर किसी का जो है वो अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिस्टम जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जो है ये आप सामने जो दो कोट्स हैं, डेरल रसेल वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस और डोना इलर्स द क्रेडिट मैनेजर. ठीक है, जरा इनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप रीड करें. आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स. तो आई होप कि ये दो जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं ये आपने रीड कर लिए होंगे. तो यहाँ से जो है वो हमें बिल्कुल एक क्लियर कट बात पता चल रही है कि जो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस जो पॉइंट आउट कर रहा है वो ये कह रहा है कि जरा आपके आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है. ठीक है, जो कह रहा है कि जनाब के जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है अपने तौर पर एक मैन्युफैक्चरर के लिए बना है जबकि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, वी आर अ सर्विस बिजनेस. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो इस चीज को कैटर नहीं करता. जबकि जो क्रेडिट मैनेजर है, क्रेडिट मैनेजर जो है वो ब्लेम दे रही है किसके ऊपर कि जनाब हमें जो है वो ट्रेनिंग नहीं मिली, हम तैयार नहीं थे. ठीक है, एक बंदा जो है उसके ख्याल में जो है वो ये है कि वो कहता है कि जनाब इट्स दी सॉफ्टवेयर इज दी फॉल्ट और द प्रॉब्लम विद दी सॉफ्टवेयर. ठीक है, और सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे लिए बना ही नहीं है, वो बना है एक मैन्युफैक्चरर के लिए और हम एक सर्विस सेंटर हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं. जबकि दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट मैनेजर है वो कहती है कि जनाब कि ये जो है ये पीपल प्रॉब्लम है. तो अभी हमें बताने का मकसद जो है वो ये है कि जब आपके डिफरेंट जो की मैनेजर्स हैं उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो, ठीक है, डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यूज हो कि जनाब ये जो हमारे सामने जो सिचुएशन है ये क्यों है, ये हमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, तो एज अ प्रेजिडेंट यू विल बी इन अ डिफिकल्ट पोजिशन टू डिसाइड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि अब मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जनाब के रियल कॉज क्या है. ओके जनाब, अब डिसीजन क्या है? डिसीजन जो था वो ये था कि जनवरी 1997 में जो है वो रिच कौन जो था वो इट वॉज इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस. जाहिर है आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो कस्टमर्स को जो है वो के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रही है. ठीक है, अब जब यही सिचुएशन आपके चलेगी तो प्रॉब्लम जो है वो ये होगा कि आपके जो सारे के सारे जो कैश फ्लोज हैं, ठीक है, दे वर ऑल अपसेट. ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आएगा, कितनी मुझे इन्वेंट्री मंगवानी है, मतलब यू कैन इमेजिन कि आपको नहीं पता कि आपके पास जो है वो कितनी इन्वेंट्री मौजूद है. आपको ये नहीं पता चल रहा कि जनाब कि आपने कस्टमर को जो है शिप क्या किया है. ठीक है, सो हाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपने जो है वो एक दिन में या एक वीक में जो है वो आपने कितना पैसा कमाया है और कितना पैसा जो है आपने खर्च किया. एंड इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज दैट सिंपली मींस कि जनाब के एक महीने के बाद जो है वो तो आप बिल्कुल ही जो है वो आउट ऑफ क्लू हो गए कि जनाब के मेरा बिजनेस जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है. ठीक है, और इसमें अगर आप सैम स्वेर जो कि बेसिकली जो मार्टिन स्वेर का जो है वो वालिद है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जनाब के सबसे जो हमारे लिए परेशानी की बात जो है वो ये है कि अगर एक ऐसे वक्त में जो है हमारे साथ ये हो रहा हो कि जब इकोनॉमी जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही हो तो बात फिर भी चलने को समझ में आती है. ठीक है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो जनाब फ्लॉरिश कर रही है, इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है और उसके बाद हमारे साथ जो है ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि जनाब हम जो है वो एक ऐसे वक्त में जो है वो पैसा और अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं कि जबकि हम बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं. सो दिस इज अ बिगर कंसर्न फॉर अस. एक बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, काम धंधा ज्यादा नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंज, ठीक है,
हमारे पास वैसे ही कोई इतनी ज्यादा खास अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा कमाने की, और अगर इस वक्त जो है ऐसा कोई मसला हो रहा है तो मे बी वी आर नॉट लूजिंग मच, वी आर नॉट लूजिंग मच ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। लेकिन एक ऐसा टाइम कि जब इकोनॉमी भी जो है प्रॉस्पर कर रही है, काम धंधा भी जो है वो अच्छा चल रहा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, और उस वक्त अगर हमारे पास ये मसले मसाइल आ जाए तो उसका मतलब जो है वो ये है कि दैट वी आर मिसिंग मच मच बिगर अपॉर्चुनिटी। चले जी, अब इसमें जो है वो कई चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो इसको देखूं तो जो अगर मैं केस को एनालाइज करूंगा तो देयर आर सिक्स फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दिस होल सिचुएशन कैन बी एनालाइज। आईटी ऑब्सोलेंस एंड मेंटेनेंस, फंक्शनैलिटी लैकिंग इन आउटडेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस फॉर मोर आईटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आफ्टरमैथ। ठीक है, चले आगे चलते हैं जनाब। आईटी ऑब्सोलेंस, इसमें जो है वो कोई शक नहीं है कि जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर की आप बात करते हैं, ठीक है, आपने जो है वो उस बात का जो है वो ख्याल रखना है कि हार्डवेयर कैन बिकम ऑब्सोलीट वेरी क्विकली। तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप हार्डवेयर जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि कितने अर्से में जो है वो आपने उस हार्डवेयर को जो है वो रिप्लेस कर देना है। रिच कौन के केस में हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो है उनका कोई प्लान नहीं बनाया था। फिर जब हम सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के केस में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं दे डू नॉट फंक्शन परफेक्टली, देर आर ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स, देर आर ऑलवेज सम इश्यूज। ठीक है, तो और दूसरी चीज जो है वो ये कि जो सॉफ्टवेयर है दे कैन बिकम ऑब्सोलीट एज वेल। रिचकॉन के केस में जो है वो दे उन्होंने जो फंडामेंटल एक मिस्टेक जो है वो ये की है कि जो सॉफ्टवेयर उन्होंने परचेज किया है दिस सॉफ्टवेयर वॉज मेंट फॉर मेटल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स, Not for the metal industry service centers, ठीक है। उन्होंने जो है वो इस सिंपल पॉइंट को जो है वो इग्नोर किया, ठीक है, और वो जो एक क्रूशल जो कैपेबिलिटी उनको सॉफ्टवेयर में चाहिए थी वो ये थी कि जो इन्वेंट्री है इन्वेंट्री को ट्रैक किया जा सके, ठीक है, और ये फंक्शन जो था ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो उस तरह से मौजूद नहीं था कि जैसा आपको चाहिए था, ठीक है। इसके बाद जनाब फंक्शनैलिटी, ठीक है, अब इनका जो सिस्टम था इनके सिस्टम में जो है वो जैसा कि जो ऑपरेशन मैनेजर ने बताया उसने कहा कि भाई ये तो बुनियादी तौर पर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था जिसमें जो है वो सिस्टम एक ऑर्डर को उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं करता कि जब तक उस ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड तमाम के तमाम चीजें जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर ना हो जाए। लेकिन हमारे पास तो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि भाई हम जो है वो उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते कि जिस तरह से जो है एक मैन्युफैक्चरर करता है। हमारे पास मिसाल के तौर पर जो है वो अगर एक चीज के जो है वो ऑर्डर आया है और हमें मतलब 10 शीट हमें 10 चीजों को बना के भेजनी है और कस्टमर जो है वो है खुश है कि जनाब कि आप 8 मुझे दे दें और 2 जो है बैक ऑर्डर कर दें, तो सिस्टम जो अभी हमने परचेज किया है उसमें ये ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है। वो ये कहता है कि नहीं जनाब 10 का ऑर्डर है तो 10 ही चीजें जो है वो इस ऑर्डर में जब तक नहीं शामिल होंगी नहीं बनेंगी तब तक जो है पेपर वर्क जनरेट नहीं करूंगा, ठीक है। सो सिस्टम जो था वो बेसिकली जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो है वो ज्यादा जो है वो हेल्पफुल जो है वो नहीं था। एंड दैट्स व्हाई द मैनेजर थॉट के जनाब के जो नया सिस्टम है, ठीक है, इससे जो है उनको कोई इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, अच्छा जब कभी भी जो है आप एंटरप्राइज आईटी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फेजेस और देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नंबर 1 सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इनिशियल इशूज। अब अगर मिसाल के तौर पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जनाब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो बताइए कि किन किन स्टेप्स के ऊपर रिचकॉन स्टील ने जो है वो गलती की है, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा। वंस अगेन यू कैन नोट इट डाउन, आई मे पुट दिस क्वेश्चन इन योर असाइनमेंट कि जनाब मुझे बताइए कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है एंटरप्राइज आई टी प्रोजेक्ट की उसके जो टिपिकल स्टेप्स हैं उन टिपिकल स्टेप्स में देखिए स्टेप के ऊपर जो है वो रिचकॉन ने जो है वो बेहतर परफॉर्म किया और किस स्टेप के ऊपर जो है वो रिचकॉन स्टील ने जो है वो गलतियां की जिसकी वजह से जो है ये सारी के सारा जो प्रोजेक्ट उनका वो फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि जनाब के जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है, ये हम आगे चल के जब ईआरपी की बात करेंगे तो ईआरपी के केस में हम देखेंगे कि इट इज ऑलवेज ऑलवेज अ लेंथी प्रोसेस। तो आप ये नहीं समझ के इसको कंसिडर कर सकते कि जनाब ये इम्प्लीमेंटेशन जो है फॉर एग्जाम्पल एक वीक में खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिमेंबर देर आर 3 फेजेस, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इनिशियल यूज। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि जनाब के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 2 स्टेजेस होते हैं, सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा नहीं है, इनिशियल यूज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। और अगर इनिशियल यूज के फेज में आपके साथ प्रॉब्लम आती है
इसका मतलब जो है वो ये होता है कि आपके इम्प्लीमेंटेशन जो है देर आर मोर चांसेस दैट विल फेल। अच्छा ओके ओके जी। इसके बाद जनाब इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज, ठीक है, थ्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट लीडरशिप। वंस अगेन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब के रिच कॉन स्टील ने इन तीन एक्टिविटीज जो मैंने यहाँ पर मैंशन की है, ठीक है, इसमें कहाँ पे गलतियां की हैं, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको हिंट दे देता हूँ, एक प्रोजेक्ट लीडरशिप में डेफिनेटली रिच कॉन मेड अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि आपने जो कंपनी की जो प्रेजिडेंट थी, कंपनी की प्रेजिडेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट की लीडर बन गई। तो जब वो प्रोजेक्ट की लीडर बन गई तो नतीजा जो है वो ये हुआ कि उसको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट काम करने थे कि जहाँ पर जो है उसको टाइम लगाना था, वहां पर वो टाइम नहीं लगा पाई, वहां पर वो टाइम नहीं दे रही थी। तो ऑब्वियसली जब आपकी अटेंशन जो है वो डिवाइड होती है तो उस सूरत में जो है वो आपकी जो लीडरशिप है वो भी अफेक्ट होती है। यहाँ पे जो उनको जो काम करना चाहिए था वही काम करना चाहिए था कि मे बी मार्टी स्क्वायर जो है वो ओवरसी करती प्रोजेक्ट को जरूर करती, लेकिन उसने ये जो नए सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोजेक्ट था इसका लीडर जो है उसको किसी और को बनाना था। मे बी उसने डिसीजन इस वजह से लिया, जैसा कि आप कैसे पढ़ेंगे देखेंगे कि जनाब के इनके पास जो है वो जो इनका स्टाफ था, इनका स्टाफ भी जो है कंप्यूटर लिटरेट नहीं था और इनके पास जो है वो एज सच कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं थे कि जिसको जो है मार्टी स्क्वायर जो है वो इस प्रोजेक्ट मैनेजर बना सकती इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, मैनेजेरियल कंसिडरेशंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ सक्सेस इन आईटी इंप्लीमेंटेशन। आपको याद होगा जो हमने बात कही थी, ठीक है, कि अलाइनमेंट के आपके पास आईटी इंप्लीमेंटेशन बिगिंस फ्रॉम विद इन, तो वहां पर मैंने बात की थी ना कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव करते हैं इस बात को, ये डिसाइड करते हैं इस बात को कि आपके पास टेक्नोलॉजी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, वाइस वर्सा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी को जो है वो अपने पास बिजनेस में जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि जनाब के अब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए मेरे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होने चाहिए, ठीक है। देन कंपनीज कंडक्ट ट्रेनिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, रिच कॉन स्टील ने ये किया था या नहीं किया था, आई विल लीव इट टू यू, ठीक है। सी वेदर रिच कॉन स्टील कंडक्टेड ट्रेनिंग ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन नॉट, ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के भी दो फेजेस हो सकते हैं, प्री इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, सी हाउ दे हैंडल द ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो बात जो है वो ये है कि चले ट्रेनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग जो है और जो रिच कॉन स्टील का जो स्केल है, ठीक है, रिच कॉन वॉज नॉट अ वेरी लार्ज कंपनी, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन की है, ठीक है, वो लार्ज स्केल पे की है एंड द सिस्टम वॉज कॉम्प्लेक्स। वाई, पहली चीज जो थी वो ये थी कि सिस्टम जो था ये स्टील मैन्युफैक्चरर के लिए था, स्टील सर्विस सेंटर के लिए नहीं था, ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने काम किया वो ये काम किया कि जनाब कि उन्होंने जो है अपना जो पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम को जो है टोटली अनप्लग कर दिया और उसके बाद नया सिस्टम जो है उन्होंने जो है और उसको जो है उन्होंने लाइव किया, विच वॉज एक्चुअली अ फेटल मिस्टेक, ठीक है। दे नीडेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मे बी पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, कि जिसमें जो है वो एक प्रोटोटाइप जो है वो टेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो डिसीजन था इनका कि जनाब कि पुराना सिस्टम बिल्कुल ही जो है वो आप उसको बंद करें और उसके बाद नया सिस्टम को जो आप चलाएं, इन माई थिंकिंग एक बोल्ड डिसीजन था, बट द बोल्ड डिसीजन विद लेस थिंकिंग लेस प्लानिंग। अब इनका जो इस रिच कॉन का जो केस है, रिच कॉन के केस में जो है ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज भी जो है वो अराइज होती हैं, ठीक है, ऑल आईटी एफर्ट्स में, लेकिन रिच कॉन का जो केस था वो यूनिक इसलिए था कि जनाब कि इन्होंने जो है, पहली बात तो ये है कि इनके पास जो है वो लोग वैसे मौजूद नहीं थे, ठीक है, लोग स्किल्ड नहीं थे कि जो कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट को गाइड कर सके, आईटी प्रोजेक्ट गाइड कर सके। दूसरा ये कि इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज थी, ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है वैसे कोई स्किल्ड नहीं थी। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस फॉर मोर आईटी, ठीक है, तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिच कॉन स्टील जो थी इट वॉज नॉट रेडी, ठीक है। इनके पास जो एक्सपीरियंस्ड यूजर्स थे, ठीक है, वो कम थे, ठीक है, और इवन अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उसमें जो है नॉर्मली जो है वो ऐसा भी होता है कि जो बेसिक स्किल्स जो होती हैं, ठीक है, बेसिक स्किल्स जो है लैक कर जाती हैं, आपको जो है वो फॉर एग्जाम्पल हाई टेक चीज़ों के ऊपर जो है वो आपका मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाती है,
लेकिन बेसिक चीजों पर जो है वो आप शायद फोकस जो है नहीं रख पाते. एंड द इम्प्लॉइज मे आल्सो बी कंफ्यूज. जाहिर है कि आपने एक नया सिस्टम फुल ब्लोन आपने इंस्टॉल कर दिया, उसको आपने शुरू कर दिया, इम्प्लॉइज जो है दे वर नॉट रेडी फॉर इट, उनको जो है आपने प्रॉपर जो है ट्रेनिंग नहीं दी. So these were all the reasons that for that ke hum keh sakte hain that the rich corner steel was not organizationally ready for more IT or basically the new system. Acha ji, ab responsibility sawal jo hai janab ke andar, aapki responsibility jo hai wo ab kiske upar jayegi? Lekin at the end yaad rakhiyega ke jab bhi hum kisi IT project ki baat karenge, theek hai, the responsibility of any project ultimately lies with the project manager itself. So iska matlab jo hai wo ye hua ki agar hum is case mein hum baat kare to is case mein ye baat bilkul clear hai ki is case mein jo project ki jo leadership thi wo kiske paas thi, Marty Square ke paas. To iska matlab jo hai wo ye hua ki failure hota hai ya success hota hai, theek hai, the responsibility will lie with Marty Square, who was the project manager for implementing the new information system at the Rich Corner Steel. Okay? Or importantly, last line, if you look at it, managers are not absolved of their responsibility for IT efforts because they are not technologists. Agar aapne kisi non-technical bande ko jo hai wo ek IT project ka manager bana diya, ठीक है, और project jo hai fail ho gaya, to wo jo hai wo ye nahi keh sakta ki jana ke main to responsible nahi hu, क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये है कि मैं कोई टेक्नोलॉजी का आदमी थोड़ी हूँ. ना, ऐसा नहीं हो सकता. आपको जब मैनेजर बनाया गया है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जनाब आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है या नहीं. आपको टेक्नोलॉजी मतलब अगर आपका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, आप किसी से हेल्प लें, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एंड यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट. अच्छा जी, आफ्टरमैथ जो है वही जनाब, इन्होंने जो है वो नया सिस्टम जो है वो उसको इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश नहीं कर सके. अल्टीमेटली जो है वो जो नया सिस्टम था वो जो है उनको जो है वो बंद करना पड़ा. दे ट्राई टू गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम, डिड नॉट वर्क आउट, और अल्टीमेटली इवेंचुअली रिच कॉर्नर स्टील वॉज सोल्ड टू अनदर बिजनेस. ठीक है, ये जनाब वो असाइनमेंट क्वेश्चन है that you should be able to solve after this full discussion. And by the way, ye jitna bhi maine discussion kiya hai, theek hai, iska jo hai wo ek complete recorded video lecture jo hai, theek hai, ye available hai, theek hai, besides this recorded discussion ke jo ki bhi hamara ho raha hai, theek hai, there is a separate detailed video lecture available jiska link main aapke sath share kar dunga. It is available on the YouTube. So now you will have two resources at your disposal. Number one, the recorded Zoom class discussion jo hamara hua hai, theek hai, and number two, detailed video lecture. To ye aapke jitne bhi assignment question hai, assignment question ke bare mein bhi jo hai wo aapko wahan se jo hai wo kafi sari cheeze jo hai mil jayengi, theek hai. So that simply means that everyone has access to all the resources, theek hai, usme kahin par bhi koi fark nahi hai. Okay ji, so yahan par jo hai humne discussion ko jo hai hum conclude karte hain.